भगवान विष्णु को लक्ष्मी माँ ने खाना परोसा, तो जैसे ही विष्णु भगवान एक निवाला खाने लगे, उस निवाले को रख दिया और कहने लगे देवी मैं एक मिनट में आया। एक मिनट के बाद आए, लक्ष्मी माँ ने पूछा कहाँ गए थे, विष्णु भगवान ने कहा ऊपर से वो देखो वो नीचे मेरा सेवक भूखा बैठा था, उसको खाना देने गया। अब पत्नी तो फिर पत्नी, लक्ष्मी माँ ने कहा अच्छा क्या बात है। विष्णु जी कहने लगे मैं तब तक नहीं खाता कि जब तक अपने सभी भक्तों को एक एक प्राणी को खाना ना दे। अब अगले दिन लक्ष्मी माँ ने फिर खाना परोसा और विष्णु जी ने खाना ग्रहण कर लिया। लक्ष्मी जी बोली आज आप चूक गए। प्रभु कहने लगे कैसे, कहने लगा आपका एक प्राणी भूखा है। कहने लगा कौन दिखाओ, तो लक्ष्मी माँ ने एक ढक्कन खोला टिफिन का, देखा उसके अंदर एक चींटी थी लेकिन उसके पास एक चावल का दाना था। बोलो सच्चे, लक्ष्मी माँ कहने लगी ये कब हुआ। विष्णु जी कहने लगे जब तुम इस चींटी को डिब्बे में बंद कर रही थी ना, तब तुम्हारे माथे पे लगे तिलक के साथ एक चावल का दाना उसमें गिर गया था। ये भूखी नहीं, बोलो सच्चे दरबार की ताली के साथ एक दो। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते हैं।